अब इसको इसने इसको कवर कर लिया है। अब ये फ्लक्स है जो मैंने आपको इलेक्ट्रोड के ऊपर दिखाया था, अब इसको ये दिखाई, इन्होंने इसको कवर करके रखा है वेल्डिंग पूल को, ताकि ये एटमॉस्फेरिक जितनी भी आपकी गैसें थी उससे ये इसको बचा रहा है और तुरंत नहीं ठंडा होने दे रहा, इसको रुक रुक के धीरे धीरे ठंडा होना देगा ताकि इसमें एक मजबूती आ जाए और कोई भी किसी तरह का इसमें दोष नहीं आ पाए। अब देखिए इसको, ये अरुण जी इसको चिपिंग के द्वारा इसको फ्लक्स को उतारेंगे। ये देखिए ये उतार रहे हैं, ये देखिए ये परत उतर रही है, ये देखिए कितनी अच्छी सी वेल्डिंग प्राप्त हुई यहाँ पे हमको। ये अब हमको देखिए इसके अंदर कोई दोष नहीं है। अब ये इसको वायर ब्रश के द्वारा इसको साफ करेंगे और इसमें एक अलग सी चमक आ जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी वेल्डिंग यहाँ पे आई है और बहुत ही ये मुबारकबाद के हाथ उतर जाएंगे ये, और बहुत अच्छी वेल्डिंग की है इन्होंने। तो इस तरह क्या हुआ, ये हमने SMAW एक इलेक्ट्रोड के द्वारा स्टिक वेल्डिंग के द्वारा हमको देखिए कितनी अच्छी हमको ये वेल्डिंग प्राप्त हुई है। और आपको इसमें फ्लक्स का भी मैंने प्रयोग बता दिया कि इसमें फ्लक्स का यूज़ क्या होता है। मेरे ख्याल से आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि SMAW का प्रोसेस क्या है। बस इतना सा प्रोसेस है, आप लोग इसमें डर रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ चीज़ है। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से आपको हर चीज़ दिखा दी आप लोग ने, कि अब मेरे ख्याल से आप लोग को SMAW, MMAW या स्टिक वेल्डिंग, ये तीनों आपको ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और अपने कमेंट के द्वारा हमको इसको जरूर बताइए। ओके, धन्यवाद।